राधे फ्रेंड, जय श्री श्याम। फिर आज मैं लेके आई हूँ नए तरह की पूरी जो बहुत ही टेस्टी लगती है, आप एक बार जरूर बना के देखिएगा। तो ये फ्रेंड है चौलाई, जो इसमें इसको रामदाना भी बोलते हैं कहीं कहीं, और राजगिरा ही बोलते हैं। इसके लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं, तो फ्रेंड आप बात कमेंट करके बताएगा आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको। तो मैंने इसने बारीक आटा कर लिया था, इसका काफ़ी बारीक हो गया था, बहुत जल्दी हो गया था फ्रेंड्स, क्योंकि भुनी हुई थी ये। और इसमें दो आलू मैंने ऐड किए हैं, आप बगैर आलू के भी आप मल सकते हो इस आटे को। तो मैंने फ्रेंड ग्रेटर की मदद से तो मैंने आलू ग्रेट कर लिए, और देखिए अब इसमें मिलाना है मुझे वही चौलाई का आटा। तो सारा मैंने चौलाई का आटा डाल दिया था, थोड़ा सा लिया था मैंने फ्रेंड, क्योंकि ज़्यादा नहीं, मैं ही व्रत हूँ तो ज़्यादा पूरी नहीं बनती, तो थोड़ी सी पूरी बनानी है 5-6। तो फ्रेंड इसको अच्छे से ना हल्के आँच से ही मलना है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा हो रहा था ये आटा, तो थोड़ा सा मिल गया, थोड़ा सा मुश्किल था फ्रेंड मलना, आप बगैर आलू के भी मल सकते हो इसे। तो फिर इसमें मैंने डाल, ये देखिए थोड़ा सा हो रहा चिपचिपा सा था, फिर मैंने इसमें ऑयल डाला, ऑयल से अच्छी तरह से कूद के ये रेडी, देखिए अच्छे से रेडी हो गया। और फ्रेंड मैंने एक जगह रख दिया, और फिर हमें मैन टू हैंड ही बनाना है इसको, नहीं तो फिर ये आलू की वजह से सॉफ्ट और हो सकता है, बह सकता है। तो मैंने पूरी वाली मशीन ली, तो उसमें ट्रांसपेरेंट पन्नी रखी, और उसमें ऑयल लगा के लोई जो थी उस आटे की लोई बनाई है। और फ्रेंड ये देखिए आराम से मैंने निकाली थी, ये देखिए, और आराम से ये बहुत अच्छी सी बन गई थी, पतली पतली सी पूरी बन गई थी। फ्रेंड एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने ऑलरेडी रख लिया था, और इसमें मैंने ये पूरी डाल ली है। और फिर जैसा अपन पूरी बनाते हैं ना वैसे ही बनानी है, कोई अलग से नहीं कुछ ऐसा करना है। और फिर प्रेस करते हुए थोड़े कचली से इसको आपको अलट पलट करके ऐसे पूरी बनाते वैसे बनानी है। ये देखिए फ्रेंड बहुत सुंदर कलर आया है, बहुत ही अच्छा कलर आया, और खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगती है। बस थोड़ा सा ये ऑयल ज़्यादा पीती है पूरी ये वाली, तो आप देख लीजिएगा एक बार ट्राई करके, बट मुझे तो अच्छी लगी फ्रेंड। और ये देखिए पूरी हो गई है रेडी बन के, और आलू की टमाटर की सब्जी बना रखी थी मैंने, और चटनी इसके साथ सर्व की। फ्रेंड अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, जय श्री श्याम, राधे राधे।